एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। अपना घर हमारी सबसे फेवरेट जगह होती है, आवर कंफर्ट जोन। और ये फेवरेट प्लेस को साफ सुथरा और सुंदर रखने के लिए हम लोग बहुत सारे मेहनत करते हैं। एक सस्टेनेबल क्लीनिंग रूटीन के ऊपर वीडियो बनाने के लिए मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आया है। आई नो थोड़ा लेट हो गया है, बट इस महीने वो वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं मेरी डेली 15 मिनट्स मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको हेल्प करेगा। रोज 15 मिनट्स का एक छोटा सा क्लीनिंग रूटीन अगर आप रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो अपेरेंटली घर हमेशा साफ सुथरा दिखेगा। क्लीनिंग के लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, ना ही गेस्ट आने पर आपको स्ट्रेस लेके घर क्लीन करना पड़ेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए देखते हैं मैं किस तरीके से ये 15 मिनट्स का मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन फॉलो करती हूँ। घर क्लीन रखने से भी पहले खुद को क्लीन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुबह उठते ही अगर आप नाइटवेयर चेंज करके तैयार हो जाएंगे तो काम करने के लिए ना एक अलग ही एनर्जी मिलती है। एक अच्छा ड्रेस, थोड़ा बहुत स्किन केयर मेक्स अवर मॉर्निंग ब्यूटीफुल। 6 महीने पहले अचानक से मैं ना बहुत ज्यादा एक्ने प्रॉब्लम फेस करने लगी थी, तब से मैं स्किन केयर को सीरियसली लिया है। मेडिसिन से एक्ने तो कंट्रोल हो गया था, लेकिन उसका जो दाग है उसे कम करने के लिए मैंने बहुत सारे सीरम ट्राई की थी। कुछ काम किया, कुछ नहीं, अभी भी थोड़ा बहुत दाग रह गया। तो मैंने ना मामाअर्थ के ये विटामिन सी डेली ग्लो सीरम का 1 बॉटल चैलेंज लिया है। इस सीरम में 5% विटामिन सी है जो कि स्किन ग्लो करता है, इसमें 5% नाइसिनामाइड भी है जो कि इवन स्किन टोन प्रमोट करता है और टर्मरिक नेचुरल ग्लो रिवाइव करता है। द सीरम हैज द पावर ऑफ 50x विटामिन सी। इसे डेली सुबह शाम यूज करने से आपको एक कंसिस्टेंट ग्लो मिलेगा और ये सब बेनिफिट्स आपको लोएस्ट प्राइस में मिल जाएगा। 30ml प्रोडक्ट का रिटेल प्राइस है ओनली 399 रुपीज। तो अभी ये विटामिन सी डेली ग्लो का 1 बॉटल चैलेंज ले सकते हैं और ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। परचेस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। परचेस करते हुए अगर आप मेरी कोड हैप्पी होम 2023 यूज करेंगे तो मामाअर्थ का वेबसाइट और ऐप पर आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मॉर्निंग स्किन केयर सनस्क्रीन के बिना इनकम्प्लीट है। सनस्क्रीन के लिए आजकल मैं मामाअर्थ का ये न्यूली लॉन्च विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ। इसमें SPF 50 के साथ साथ PA++++ रेटिंग है और विटामिन सी एंड टर्मरिक भी है, इसलिए इसमें सन प्रोटेक्शन एंड ग्लोइंग स्किन का 2-in-1 बेनिफिट्स है। मामाअर्थ के प्रोडक्ट उनका वेबसाइट एंड ऐप के साथ साथ Amazon, पर्पल, नाइका एंड फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है। दे आर ऑल्सो अवेलेबल इन स्टोर्स नियर यू। नेक्स्ट टाइम आपको जब भी आसपास मामाअर्थ का कोई भी स्टोर्स दिखे मुझे मैसेज जरूर करना। जब भी आप वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो मामाअर्थ हमेशा आपका ऑर्डर एक ट्रिक के साथ लिंक कर देता है जो कि वो खुद प्लान करता है। बाय 2025 मामाअर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। तो ये विटामिन सी डेली ग्लो सीरम एंड सनस्क्रीन के साथ आई एम ऑल सेट फॉर दिस समर ग्लोइंग स्किन। तो सुबह ये छोटा सा स्किन केयर के बाद मैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली काम शुरू करने से पहले फ्यूल लेना बहुत जरूरी है। यू गॉट द पॉइंट राइट। ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद और लंच बनाना शुरू करने के जो बीच का टाइम है वो मेरा क्लीनिंग टाइम है। सबसे पहले मैं क्लीन करती हूँ लिविंग डाइनिंग एरिया। मेरा लिविंग एंड डाइनिंग एक साथ है तो सबसे पहले इस एरिया को क्लीन कर लेने से ही आधा टेंशन खत्म हो जाता है। अगर कोई आ भी जाए तो भी घर क्लीन दिखेगा। सुबह दूध आया था, बागान को स्कूल छोड़ के आते वक्त सुमन तो कुछ ग्रोसरीज लेके आया था तो वो सब डाइनिंग टेबल के ऊपर रखा हुआ था। एक एक करके सभी को अपनी जगह पे रख दूंगी। कल रात को जीरा धनिया ग्राइंड की थी, गरम था इसलिए कंटेनर में नहीं रखा, अभी उसे भी सही तरीके से स्टोर कर लूंगी। एक नया टेबल कवर में लेके आई थी, बहुत दिन से पड़े हुए थे तो आज सोचा कि ये पुराना वाला चेंज कर देते हैं। कॉटन टेबल कवर यूज करने से उसके ऊपर एक प्लास्टिक कवर तो डालना ही पड़ता है। ये प्लास्टिक कवर मैं रोज क्लीन करती हूँ। चेयर को भी रोज क्लीन करना पड़ता है क्योंकि उसे हम मेरे बच्चे बार बार हाथ से पकड़ लेते हैं, तो ये सब क्लीन रखना ही बेहतर है। पूरे घर का सरफेस क्लीनिंग मैं नॉर्मली एक साथ करती हूँ। आज टेबल कवर चेंज किया तो टेबल चेयर एक साथ वाइप कर दिया। सुबह वॉशिंग मशीन एंड डिश वॉशर के ऊपर भी कुछ चीजें इकट्ठा हुआ था, उसे भी अपनी जगह पर रख दिया, तो मेरा डाइनिंग एरिया क्लीन हो गया। सुबह इधर हम दोनों चाय पी थी तो सेंटर टेबल के ऊपर कुछ छोटा मोटा सामान पड़े हुए थे, बिस्किट कंटेनर, बागन का टॉयकर्स, ये सब।
स्कूल जाने से पहले भी बागान को कुछ ना कुछ खिलौना लेके खेलना है। मॉर्निंग से ही ये खिलौना समेटने का काम मेरा शुरू हो जाता है। दिन में शायद 100 बार मैं ये काम करती हूँ, सोचो। आज एक कारपेट भी चेंज कर देंगे। बहुत दिन हो गए ये कारपेट मैं यूज कर रही थी। नया वाला अमेजन से मंगवाया है, कल ही डिलीवरी हुआ है। क्वालिटी इसका बहुत अच्छा है और ये एंटी स्किड भी है। कारपेट नया है इसलिए वैक्यूम चलाया नहीं, नहीं तो मैं हर दिन एक बार कारपेट जरूर क्लीन करती हूँ। डाइनिंग एंड लिविंग एरिया के सभी बिखरे हुए सामान अपनी जगह पर रखने के बाद मैं बेडरूम क्लीन करने के लिए चली आती हूँ। सुबह मैं जब बागान को स्कूल के लिए रेडी करती हूँ तो सुमन तो बेड क्लीन करता है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बेडशीट चेंज करना मेरी जिम्मेदारी। एनीवे, साइड टेबल में जो भी एसेंशियल क्लटर रात को इकट्ठा होकर रखे थे उसे ड्रायर में रख देती हूँ और बेडरूम के सारे बिखरे हुए चीजें अपनी जगह पर रख दिया। कल ना एक शॉर्ट कुर्ती लेके आई थी, व्हाइट येलो कॉम्बिनेशन की समर कुर्ती, बहुत ही कंफर्टेबल है, कैसा लगा जरूर बताना। दूसरा बेडरूम का भी वही हाल है, कुछ कपड़े प्रेस होके आए थे, अभी इसे वार्डरोब में रख देने से ही मेरा आधा क्लीनिंग कंप्लीट हो जाएगा और ये काम करने में मुझे ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगता है। आज टेबल कवर एंड कारपेट चेंज किया इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग गया, नहीं तो 10 मिनट काफी है। अगर सभी चीजें अपनी जगह पर रहे तो भी घर ऑलरेडी साफ सुथरा लगने लगता है और बाद में फर्नीचर वाइप्स करना भी आसान हो जाता है। इसलिए सभी चीजों को अपनी जगह पर रखने के बाद मैं उठा लेती हूँ मेरी क्लीनिंग कैडी और जस्ट सरफेस वाइप कर लेती हूँ। कोई भी डीप क्लीनिंग मैं इस टाइम नहीं करती हूँ। अभी एक क्लीनिंग कैडी में क्या क्या मैं रखती हूँ वो तो आपको पता ही है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में है। सिंक एंड बेसिन एरिया भी मैं रोज क्लीन करती हूँ। बाथरूम मैं नहाने के टाइम क्लीन करती हूँ और वहाँ भी मैं 5 मिनट्स रूल फॉलो करती हूँ। बाथरूम क्लीनिंग के ऊपर किसी दिन अलग से वीडियो बनाऊंगी। वॉश बेसिन एरिया की जो मिरर है उसे भी रोज क्लीन करना पड़ता है। अगर रोज क्लीन करेंगे तो ड्राई माइक्रोफाइबर क्लोथ से एक बार वाइप करने से ही क्लीन हो जाता है। सबसे लास्ट में मैं करती हूँ बेडरूम क्लीन। ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ सभी सरफेस को एक बार क्विक वाइप कर लेती हूँ। सुबह मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि मैं ना रोज रात को एक छोटा सा नाइट क्लीनिंग रूटीन फॉलो करती हूँ, इसलिए सुबह मुझे मेरा घर ऑलमोस्ट क्लीन मिलता है। सिर्फ बागान स्कूल जाने से पहले जो मेस क्रिएट करता है या फिर सुबह से लेकर ब्रेकफास्ट तक घर में जो भी एक्टिविटीज होता है उसके वजह से जो भी चीजें थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है उसे ही बस ठीक करना रहता है। अभी भुवनेश्वर में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो क्लीनिंग के बाद मैं हमेशा बेडरूम का विंडो क्लोज करके कर्टन लगा देती हूँ ताकि घर थोड़ा सा ठंडा रह पाए और इसके साथ ही मेरा मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन कंप्लीट हो जाता है। घर क्लीन करते करते ही लंच बनाने का टाइम हो जाता है तो मैं तुरंत आ जाती हूँ किचन में। सुबह चाय ब्रेकफास्ट बनाने के टाइम किचन काफी ज्यादा गंदा हो जाता है तो सबसे पहले किचन क्लीन करती हूँ। थोड़ा बहुत जो बर्तन है जिसे मैं डिशवॉशर में नहीं डाल सकती उसे हाथों से क्लीन कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके साफ करेंगे तो बर्तन का ढेर नहीं लगेगा, क्लीनिंग जल्दी हो जाएगा। तो किचन भी क्लीन हो गया, अभी लंच बनाना शुरू करते हैं। मैं
कई बार मेंशन कर चुकी हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा डस्ट प्रोन एरिया में रहती हूँ, तो अपना घर साफ सुथरा रखने के लिए सुबह ये छोटा सा क्लीनिंग रूटीन मैं हर रोज फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। छोटा छोटा गोल क्रिएट करके अगर हम काम करेंगे तो काम जल्दी होता है और स्ट्रेस भी नहीं लेना पड़ता। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट किया है तो इसे एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे अगर नया है तो वेलकम टू हैप्पी होम मेकिंग। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मैं अमृता आपसे मिलूंगी और एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।